ये है यूनाइटेड टॉकीज गोरखपुर और यहाँ पे अगर आप कल इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है? जैसे बाहर आपको बहुत बड़ा सा होल्डिंग दिख रहा है, एशिया का सबसे बड़ा लाइव मैजिक शो, संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन, सुपर स्टार जादूगर सिकंदर। शो टाइम 1 बजे से 4 बजे एवं शाम को 7 बजे से है और टिकट दर आपको दिख रहा होगा 500, 350, 200, 150 रुपये है। अभी हम चलेंगे अंदर। नमस्कार, अभी हम जो हैं यूनाइटेड टॉकीज के इस हॉल में हैं और यहाँ पे कल देश के प्रख्यात जादूगर सिकंदर जी का शो होने वाला है। कल उसका उद्घाटन होगा शाम को और आज जैसे कि देख रहे हमारे पीछे बैकग्राउंड में सारी तैयारी का तैयारियां चल रही हैं और ये तैयारियां सुबह से चल रही, रात भर चलेगी तक कि ये पूरा का पूरा स्टेज पे सारे ठीक ठाक ना हो जाए, पर्दे हैं जो भी चीज़ें हैं तैयारी इनके हिसाब से। तो हमारे बगल में सर बैठे हैं, थोड़ा सा परिचय खुद ही देंगे। सर बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट धाम करबी से हूँ, दत्तात्रेय आश्रम, प्रदीपानंद महाराज मेरा नाम है। और 15 साल पहले, नियर अबाउट 10 साल, मैं जादूगर गोगा के नाम से जाना जाता था। ये जादूगर सिकंदर जी का शो है, उसका ये तैयारियां चल रही। तो सर आप जादूगर गोगा तो आप पहले भी शो वगैरह करते थे, तो अभी क्या करते हैं सर शो वगैरह ऐसा? नहीं, अब शो बंद कर दिया, मैं वहीं चित्रकूट में रहता हूँ आश्रम में। बाकी सिकंदर जी की जो तैयारियां चल रही हैं उसकी व्यवस्था देखता हूँ। तो जो सर ये सिकंदर जी हैं तो इसमें क्या खास रहेगा इस बार गोरखपुर को देखने मिलेगा सर? क्योंकि गोरखपुर को सबसे नई चीज देखने को मिलेगी, हजारों साल पहले जो डायनासोर जो है हमारे इस दुनिया से विलुप्त हो गए, तो डायनासोर कैसा था, बच्चों को और युवाओं को डायनासोर देखने को मिलेगा। चाइना से मंगाया है लाइव। और दूसरी बात, जो समाज में कुरीतियां फैली हैं, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, भ्रूण हत्या, मद्य निषेध, दहेज प्रथा, ऐसी कुरीतियों को जादू के माध्यम से जादूगर सिकंदर साहब अपने कला के माध्यम से दूर करते हैं। उससे जो पैसा इकट्ठा होता है, तो बेहद निर्धन और गरीब परिवार के लोग जुड़े हुए हैं टीम में, तो उनके जीव को उपार्जन का एक सहारा है। कंप्लीट फैमिली शो है। हमारे शो में किसी भी तरह की असभ्यता, अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं होता। हाँ हाँ, 40 के लगभग, समथिंग नियर अबाउट 40 मेंबर होंगे। ये 40 मेंबर्स होंगे सर, एक टारगेट होता होगा कि हमको इस जगह पे इतने दिनों के लिए रहना है? नियर अबाउट 1 महीने हम एक शहर में रहते हैं। एक नहीं, इसके पहले सर ऑल ओवर आप इंडिया सर शो कर चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, बड़े बड़े शहर हैं, सपोज कानपुर हो गया, कोटा हो गया, और सब मेट्रो लखनऊ हो गए, तो सिकंदर जी ने महानगरों में, और युवा जादूगर हैं, इनका शो दिखाने का नया अंदाज है। शो डरावना नहीं है, शो इनका लुभावना है, बच्चे भी देख सकते हैं। एक ऐसा शो जिसे आप पूरे परिवार, माता बहनों के साथ बैठकर से देख सकते हैं। हमारे शो में किसी भी तरह की असभ्यता या अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं होता, साफ सुथरा कार्यक्रम होता है। समाज में जो कुरीतियां फैली हैं उसी पर आधारित पूरा शो है। अच्छी बात है सर, जो भी कुरीतियां फैली हैं कम इस शो को देखकर आप दर्शक जो है आप लोग आइए। और कल शाम से ओपनिंग हो रहा है, कल 7 बजे से ओपनिंग होगा और उसके बाद से कंटिन्यूअस ये 3 शो चलेगा। ये पहला शो स्कूली बच्चों के लिए है 9 बजे से, दूसरा शो स्कूली बच्चों का है 11 बजे से, और प्रतिदिन 3 शो हो गए। पहला शो 1 बजे, दूसरा 4 बजे, तीसरा 7 बजे। देश का सबसे महंगा शो है, टिकट दर हमारा 500 रुपए, 350 रुपए, 200 रुपए और 150 रुपए है इसमें। जी एक बात और हमको मन में हमेशा रहती थी, जब ऐसे शो होते थे या फिर जादू का शो या फिर सर्कस का शो या फिर कोई ऐसा नुमाइश वगैरह, तो उसका जो फ्लैक्स बनता था या डिजाइनिंग होती थी एक खास फ्लोरेंस कलर से, तो उसका क्या खासियत क्या?
देखिए पहले ये सर्कस के जमाने से पहले जब सर्कस चलता था तो एक कलर होता है फ्लोरोसेंट कलर है, तो फ्लैक्स तो आम जनता का कहीं भी छपवा लेती है हर शहर में, लेकिन इसमें जो अलग से हमारे जो बाहर से आर्टिस्ट आए हुए हैं वो फ्लैक्स के ऊपर अलग से फ्लोरोसेंट कलर डिजाइन करते हैं, जहाँ भी लगता है ये इन्वेस्टमेंट भी उसमें ज्यादा है तो अलग से उभर के आता है, जो आप पूछना चाहते हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा जितने सीट है ऊपर ही नीचे सब भर जाए। और नहीं हमारे शो जो है ना सिकंदर साहब के शो जहाँ भी लगते हैं हाउसफुल ही जाते हैं, सीटें कम है। हमारा तो जो है राय बरेली में एक महीने शो चला, 1000 कैपेसिटी थी, जितना बम्पर सुपर हिट, कुछ लोग तो बाहर ब्लैक भी कर रहे थे, हमारे शो की ब्लैक भी होने लगी थी, लेकिन फिर उसको प्रशासन के माध्यम से उसको रोका गया, शो सारे सुपर हिट जाते हैं। सर ये सर सिकंदर साहब रहने वाले कहाँ के हैं? ये जादूगर सिकंदर साहब कानपुर के पास उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, लेकिन अब उनकी फैमिली वगैरह कानपुर में वो फ्लैट लेके अपना शिफ्ट है। यहाँ पे शर्मा जी बैठे हुए हैं मीडिया कोऑर्डिनेटर, और ये सारा मीडिया का देखभाल शर्मा जी के हाथों में है। ये कल के लिए हमारे बगल में खड़ा। ये सुरेंद्र सामने बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ से हैं ये, और ये स्टेज डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, स्टेज का काम संभाल रहे हैं। हाँ तो सुरेंद्र जी कब से काम कर रहे हैं ये? तो मैं लगभग 3 सालों से 3-4 सालों से 3 साल से हो गया ये काम। तो अभी ये आज का ही काम कब तक ये समाप्त हो जाएगा? ये काम 2-3 बजे तक, 2-3 बजे रात तक आप फाइनल करके ये दे देंगे एकदम। श्रीकांत बैठे हुए सामने, ये भी एक टीम, ये इस जादू के टीम के हिस्से हैं। हाँ तो आपका इसमें क्या रोल है श्रीकांत जी? मेरा भी कलाकार ही हूँ। कलाकार आप हैं, अच्छा ठीक है। तो कल जब ये शो शुरू होगा तो कल आपको देखने को मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो आपका इसमें क्या दिखाते हैं आप इसमें? वही साथ में लगे रहते हैं सब, हेल्पिंग सपोर्ट में रहते हैं, हेल्प सपोर्ट में आप रहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रहने वाले कहाँ के हैं? कानपुर। अभी आपने जैसे देखा कि सारी तैयारियां चल रही है, और यहाँ पे जितने स्टाफ इस मैजिक शो के सारे स्टाफ लगे हुए हैं कल शो की तैयारियों के लिए, और यहाँ पे अभी आपने अंदर देखा कि सारी तैयारियां होगी।